हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम क्लास 7 और चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 2y + 5/2 इज़ इक्वल टू 37/2। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2y + 5/2 और इज़ इक्वल टू में है हमारे पास यहाँ पर 37/2, राइट। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे आपको पता है ये LHS साइड है यानी राइट हैंड साइड, और ये RHS है, सॉरी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है राइट हैंड साइड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम इसे ना, ये वाला जो नंबर है, इस फ्रैक्शन को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब इस फ्रैक्शन को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है, अगर यहाँ x होता हमें x की वैल्यू निकालनी होती, यहाँ y है हमें y की वैल्यू निकालनी है ना। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ LHS में सिर्फ y को रहने देना है, यानी सिर्फ y ही यहाँ होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम, बाकी जो सारे 2 है, 5/2 है, इन सबको हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। अकेला यहाँ y ही बचना चाहिए, हमें ऐसा करना है। तो होता क्या है कि अगर मान लो किसी नंबर को हम इधर ले जा रहे हैं, LHS से RHS की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर RHS से हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि RHS से हमें LHS की तरफ ले जाना पड़ जाता है। तो कहीं से भी कहीं भी, मतलब इज़ इक्वल टू से इस तरफ या इज़ इक्वल टू से इस तरफ अगर हम मूव करें किसी नंबर को, तो अगर वो पॉजिटिव नंबर हो तो वो दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव बन जाता है, अगर वो नेगेटिव नंबर हो तो दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव बन जाता है, अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। तो मतलब जो भी वो नंबर हो रहा हो ना, उसका अपोजिट हो जाता है दूसरी साइड जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो 5/2 है, जिसे हम सबसे पहले इधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो पॉजिटिव है यानी प्लस हो रहा है इधर, है ना। तो हम इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये 5/2 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव बन जाएगा यानी माइनस में बन जाएगा। तो इधर तो रह गया 2y, और इस इज इक्वल टू की जगह, इज इक्वल टू की तरफ इस साइड RHS में 5/2 को हमने भेज दिया और वो माइनस होके चला गया, क्योंकि इस तरफ वो पॉजिटिव था, इस तरफ जाके वो नेगेटिव बन गया। अब हम देखो, अब हमारे पास है 37/2 - 5/2। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर्स हमारे सेम है, हमारे क्या है, न्यूमिरेटर्स डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हम ओनली न्यूमिरेटर्स को प्लस या माइनस जो हो रहा होता है वो कर देते हैं। तो 37 में से अगर हम 5 माइनस करें तो 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 32/2। उसके बाद यहाँ पर 2y है, और अब देखो 2 की टेबल में 32 कब आता है, मतलब ये 2 कट हो रहा है ना, या देखो इसे हम यहाँ से काट सकते हैं, 2 1 2 और 2 6 12, इस तरीके से कट हो जाएगा, है ना। तो आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि ये कैसे कट हो रहा है। देखो 2 1 2, इधर 1 बचा, इधर 2 उतर गया, 2 6 12, तो 16 यहाँ पर, है ना। तो 16 तो 2 से कट हो गया। अब 2y की हमारे पास वैल्यू है 16। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था y की वैल्यू हमें निकालनी, तो सिर्फ यहाँ y होना चाहिए, तो इस 2 को भी हमें इधर ले जाना पड़ेगा। अब इस 2 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो इसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में भी बताया था, अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेज की वीडियो नहीं देखी 4.1 एंड 4.2 की, तो उसे ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखेंगे तो ये वाले जो एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से समझ नहीं आ पाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी। तो देखो 2y है, इसका मतलब होता है कि 2 और y का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ऐसे अगर 3 और x का मल्टीप्लाई होए तो उसको 3x लिख देंगे हम लोग, है ना। तो इधर मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है y में, तो अब हमें इस 2 को ले जाना है दूसरी तरफ। तो जब 2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ यानी इस तरफ जाकर 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ y बच जाएगा और 2 जो है इस तरफ आ जाएगा और उसका हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो अब 2 और 16 का जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा इजिली 2 8 16, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई y की वैल्यू। तो इट्स दैट सिंपल, इतना आसान है ये, और इस तरीके से आंसर डालकर आप पूरा आंसर इसका कर दोगे, ठीक है, बड़ा आसान है ना। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सेकंड हमारे पास है 5t + 28 इज़ इक्वल टू 10। तो 5t + 28 इज़ इक्वल टू 10, ये हमारे पास है। तो ये
टी है। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी इस साइड अकेला होना चाहिए, बाकी सबको हमें दूसरी साइड शिफ्ट करना है। तो इस 28 को सबसे पहले दूसरी साइड ले जाते हैं, 28 यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस तरफ जाके नेगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ 10 माइनस 28 हो जाएगा और इधर रह जाएगा 5t। अब आप सोचेंगे कि देखो, अब 10 माइनस 28 कैसे होगा, हमें पता है कि ये 10 पॉजिटिव है और ये माइनस 28 है, और प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 28 में से सबसे पहले तो हम 10 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा 18 आ गया, ठीक है, 18 आंसर आ गया, तो आंसर हमारा 18 हो गया। लेकिन अब साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है उस साइन लगेगा, तो 28 बड़ा है तो उसका साइन है माइनस, तो उधर भी माइनस लग जाएगा और इधर 5t है, तो 5t की वैल्यू है माइनस 18। तो अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 5 को जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ले जाएंगे, जो कि दूसरी तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड, और देखो टी की वैल्यू आ गई माइनस 18/5। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर दोगे आप इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है हमारे पास सी वाला, ए बाय 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये प्लस 3 है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ए बाय 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएंगे, इधर ए बाय 5 ही है। अब देखो ए को अकेला रहने देना है, इसलिए 5 को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, 5 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हमारा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आंसर आ जाएगा, माइनस 5, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 5 हो गई, इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी, जिसमें है क्यू अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5, क्यू अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो देखो यहां पर भी सिंपल है, प्लस 7 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 क्यू अपॉन 4, अब इस 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्यू की वैल्यू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी माइनस 8 आ जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 5/2 x इज इक्वल टू माइनस 10। तो इधर क्या होगा, इधर हमारा जो ये है 5/2 ये उस तरफ चला जाएगा और इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पर ना इस तरीके से, एक्चुअली ये 5x है, ठीक है, इस तरीके से 5x/2 इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5x/2 इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, ये 5x है तो सबसे पहले जो नीचे वाला 2 है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, तो ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस 20, ठीक है, माइनस 20, तो 5x की वैल्यू माइनस 20 आ गई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 20/5, तो 5 4 20, तो x की वैल्यू माइनस 4 आ गई, ठीक है ना, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सारे सिंपल हैं, ठीक है, सारे सिंपल हैं बेसिकली, हम ये वाला भी देखो सिमिलर ही है, ये वाला एकदम सेम है, चलो एक बार ट्राई करते हैं कैसे होगा। 5x/2 इज इक्वल टू 25/4, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 को जब हम इधर ले जाएंगे तो वो इनटू हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 25/4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब देखो 2 1 2, 2 2 4, ये ऐसे कट हो गए, तो इधर 25/2 रह जाएगा, ठीक है, 5x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इनटू हो रहा है इधर, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 25/2 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे हो जाएगा, है ना, तो यानी 25/2 अगर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ये 5/1 भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हमने 5/1 लिख दिया। और जब दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कि बीच में लगता है, एक मिनट पहले मैं लिख देती हूँ, ये दो फ्रैक्शन है, ठीक है, तो तब क्या होता है, ये वाला साइड का जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, यानी ये 1/5 हो जाएगा, और ये जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, है ना, इस तरीके से तो होता है। या तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आप इस साइड को अपोजिट कर लो, इस साइड के फ्रैक्शन को बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो 25 1 इज इक्वल टू 25 और 5 2 इज इक्वल टू 10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 25/10, ओके ना, इस तरीके से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। फिर है हमारे पास 7m
प्लस 19 बाय 2 इज इक्वल टू 13। तो 19 बाय 2 को डायरेक्ट हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 19 बाय 2। तो इधर 1 ले लेते हैं और इनको माइनस कर लेते हैं, तो इनका एलसीएम 2 हो गया। 1 की टेबल में 2 टूजा पर आता है और 13 टूजा हो जाते हैं हमारे 26, ठीक है ना। तो अब यहाँ माइनस टू की, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 19, तो 26 माइनस 19 निकालेंगे सेवन, ठीक है। तो इधर हमारा आंसर आ गया 7/7 एम की वैल्यू, ठीक है। एम की वैल्यू निकालने के लिए 7/2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करते हैं यानी एम की वैल्यू आ गई 7/14, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए इस तरीके से आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं सिंपल से, हम देख लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, जैसे मैंने बताया वैसे ही हो जाएंगे। चलो ये वाला भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो वैसा ही है वैसे तो, ये भी क्वेश्चन देखो 2/3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर ये आ गया 2 2 ज़ 4, 4/3, 3 एल की वैल्यू, ठीक है। एल की वैल्यू निकालेंगे, अब एल की वैल्यू निकालने के लिए 4/3 में डिवाइड कर दो 3 का, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा, एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4/9 एल की वैल्यू आ गई, है ना, ऐसे ही निकल जाएगी। तो ये भी बड़ा इजी था, सेम था, सिमिलर था, और लास्ट वाला भी एकदम सेम वैसा ही है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे क्योंकि बहुत इजी है ये, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको इन फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखो पहला इक्वेशन 2 ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या करना है हमें, ये जो 2 है और ब्रैकेट में x प्लस 4 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 × x कितने हो जाएंगे, 2x, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस का साइन तो एज इट इज सेम यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है। और 2 4 सा कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 12। इस तरीके से कर देना है। अभी जो प्लस का 8 है वो इधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8, ठीक है, 4, इधर 4 आ गया माइनस होकर, 12 माइनस 8 4, 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/2, 2 2 ज़ 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3n-5 और इज इक्वल टू 21। तो अब ये जो 3 है n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा 3n, बीच में माइनस का साइन एज इट इज रख जाएगा और 3 5 हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 21। अब ये जो 15 है इधर जाके यहाँ माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू 21+15 जो कि कितने हो जाएंगे, 36, ठीक है, 3n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 36/3, अब 3 कट हो जाएगा, 3 1 ज़ 3, 3 2 ज़ 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही करेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन, ऐसे ही करेंगे। सी वाला खुद करेंगे क्योंकि बड़ा आसान है, डी वाला और ई वाला मैं कर दिखा देती हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन से मैं एक आपको करने के लिए खुद दे रही हूँ, बिकॉज इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सही, क्योंकि देखो बहुत ईजी है क्वेश्चन, तो आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद डी और ई तो मैं आपको कर ही दिखा रही हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। तो देखो -4 जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है, माइनस का 8, प्लस का साइन एज इट इज लग जाएगा, और 4 का जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा इज इक्वल टू में 8, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ -4x है, यहाँ माइनस का 8 है, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस के 8 को इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो माइनस का 8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वह प्लस के 8 में बदल जाएगा, तो इधर रह गया हमारा -4x
इधर आ गया, इधर माइनस फोर एक्स रह गया, तो माइनस फोर एक्स, और इधर है हमारे पास एट प्लस एट, ठीक है, यानी सिक्सटीन। तो माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन, तो एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन बाय माइनस फोर, ठीक है। तो फोर फोर जो सिक्सटीन, माइनस फोर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है फोर टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एट, तो फोर टू ज़ा एट, माइनस का साइन लगेगा, फोर एक्स, फोर एक्स, ठीक है, एट। तो अब यहाँ फोर एक्स रह जाएगा और एट जो है इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये एट पॉजिटिव है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एट माइनस एट विच इज़ ज़ीरो, तो फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू भी तो ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो अपन फोर का मतलब तो एक तरीके से ज़ीरो ही हो गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे, और जो सी क्वेश्चन है आप खुद से करेंगे। इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि अगर आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसको खुद से ट्राई कीजिए, और जो आपका आंसर आएगा उसे आप चेक कर लीजिएगा। इसको मैं आपको कर कर दिखाती हूँ, ठीक है। माइनस 21, तो 3 और n का मल्टीप्लाई होगा 3n, यहाँ माइनस, और 3 और 5 का होगा तो 15, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 21, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे ये वाला था, बस इधर माइनस हो गया है। तो अब देखो यहाँ से, यहाँ जो माइनस का 15 है इधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, यानी 3n इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 15, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस हो जाते हैं, तो 21 में से 15 को हमें माइनस कर देना है, ठीक है। इधर 6 बचा और इधर 1, यानी 6, ठीक है, 6 आया। अब 6 किसका आया, माइनस का 6 आया, ठीक है। तो 3n की वैल्यू है माइनस का 6, तो n की वैल्यू है माइनस 6 बाई 3, यानी माइनस 2। n की वैल्यू यहाँ से माइनस 2 आएगी, बस इतना सा अंतर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बस देखो मतलब जो बी वाला हमने क्वेश्चन किया सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन था, ये बस यहाँ माइनस 21 था, इधर 21 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी है, तो बहुत इजी है। यहाँ पर भी पहला है 4 इज इक्वल टू 5, यहाँ p माइनस 2 है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, वैसे ही करेंगे 5 और p का करेंगे, तो 5p माइनस, और 5 टू सा हो जाते हैं 10। तो अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इस माइनस 10 को इधर ले जाते हैं, देखो। या फिर आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे ही करता, चलो माइनस 10 को इधर ले जाते हैं। अब माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 10 यानी 14, 14 इज इक्वल टू 5p, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होगी, इधर से 5 को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 14, अब ये जो 5 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 14 बाय 5 इज इक्वल टू p। तो अब चाहे इसको 14 बाय 5 इज इक्वल टू p बोलो या p इज इक्वल टू 14 बाय 5 बोलो, बात एक है। तो p की वैल्यू 14 बाय 5 आ गई इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है माइनस 4। देखो सिंपल, ये भी वही चीज़ है, यहाँ पर 4 था, इधर माइनस 4 हो गया। तो बी क्वेश्चन आपके लिए, खुद करोगे आप। सी देखते हैं, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, ये ब्रैकेट में है टी प्लस 2, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लेट्स ट्राई इट आउट। इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करोगे। तो 4 प्लस 3 पहले देखो कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 7 और यहाँ पर ब्रैकेट में टी प्लस 2 है, तो अब 7 इंटू टी 70 प्लस 7 टू ज़ा 14, 16 की, 16 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये प्लस 14 इधर जाके माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 70, यानी 2 इज इक्वल टू 70। तो t की वैल्यू निकालें तो यहाँ सिर्फ t होना चाहिए, और ये जो 7 है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2 बाई 7। तो 2 बाई 7 इज इक्वल टू टी, या इसको ऐसे लिखो 2 इज इक्वल टू 2 बाई 7, बात एक है। तो वैल्यू आ गई 2 बाई 7, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में है 4 प्लस 5, इसमें ब्रैकेट में p माइनस 1 इज इक्वल टू 34। सबसे पहले आप इन दोनों को प्लस करोगे 9, ठीक है, और 9p 9 इंटू पी पी माइनस 9 1 9 9, ठीक है, 34। अब यहाँ 9 माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9p इज इक्वल टू 34 प्लस 9, ठीक है ना। और p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 43 बाय 9, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग लास्ट वाला, जिसमें है 0 = 16 + 4m - 6। तो यहाँ से 16 + 4 कितने होते हैं, ठीक है, तो वो हम निकालेंगे। तो 20m - 6, तो अब 20m = 20m - 26 = 12, 20। उसके बाद देखो यहाँ से माइनस का 120 इधर जाके प्लस का 120 हो जाएगा, तो इधर 120 क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इधर 120 ही बचा ओनली, ठीक है, 20m, ठीक है। तो m इज इक्वल टू यहाँ 20 120 / 120 हो जाएगा ना, तो ये हो गया हमारा, ये 2 से कट हो जाएंगे, 2 times 20 2 6 12 60, फिर ये 10 1 10 10 6 60 6 आ जाएगा था, ठीक है। 6 = m, या लिखो m = 6 पाते गए, तो m की वैल्यू 6 आ गई, ओके ना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा इधर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू, 3 इक्वेशन बतानी है जो x इज इक्वल टू 2 से शुरू हो, ठीक है। तो ऐसे 3 इक्वेशन बनाने हैं जो जिसमें x की वैल्यू 2 हो, तो कैसे बना सकते हो? देखो हम ना ऐसे कर सकते हैं कि हम 2x लिखते हैं, तो 2x यहाँ x की वैल्यू 2 है हमें पता है, तो 2 2 4, ठीक है, तो 2x की वैल्यू 4 हो गई। अब 4 में हम क्या जोड़ें, जैसे मान लो 4 में हम 3 जोड़ लेते हैं, तो 4 में 3 जोड़ा तो 7, ठीक है, तो यहाँ 7 = 7 आप लिख दो। ये पहली इक्वेशन हो गई जिसमें x की वैल्यू 2 है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ +3 इधर जाके -3 हो जाएगा, 2x = 7 - 3, यानी यहाँ 4 बचेगा, ठीक है, और 2x, और फिर x की वैल्यू निकालोगे तो 4/2 हो जाएगा, जिससे 2 2 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये पहला इक्वेशन हो गया जिससे अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें x की वैल्यू 2 निकलेगी। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम कर सकते हैं इस तरीके से कि 5 - 2 जो कि 3 हो गया, या चलो 5 - 4 जो कि 1 हो गया, उसमें जुड़ेगा हमारा 5 - 4 + 3x, या फिर हम क्या जोड़ सकते हैं, 9x जोड़ सकते हैं, जिसमें x की वैल्यू होगी 2, और 9 2 18, ठीक है, और 18 में 5 - 4, देखो यहाँ 5 - 4 1 हो जाएगा, और 9x की वैल्यू हो जाएगी 18, तो 18 1 + 18 19, ठीक है, तो यानी इज इक्वल टू 19। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, आप इसको सॉल्व करो। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखना x की वैल्यू आपकी 2 आएगी, तो 5 - 4 कितने हो जाते हैं, 1 1 + 9x = 19, ठीक है। अब इस 1 को आप दूसरी साइड ले जाओगे, तो 9x = 19 - 1, यानी 18। उसके बाद इस 9 को आप इधर ले जाओगे, तो 9 2 18, तो देखो यहाँ x की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। तीसरी इक्वेशन भी ऐसे ही हम कुछ बना देते हैं, सिंपल से बनाएंगे। अब हम बना देंगे 5 + 2 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x - 3। तो यहाँ अगर x की वैल्यू 2 है, तो ये 5 + 2, चलो 5 + 2 ना लेकर हम ऐसा करते हैं, यहाँ सिर्फ 3 ले लेते हैं, तो 3x हो जाएगा, और ये 3 3 9, तो 3x - 9 यानी 3x - 9 होगा ये, है ना। x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2, तो 3 2 6, 6 - 9, तो माइनस प्लस माइनस, तो इधर आ जाना चाहिए -3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है, तो इज इक्वल टू -3। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो ये 3 इक्वेशन हैं जिनमें x की वैल्यू 2 है। अब ऐसे 3 इक्वेशन जिनमें x की वैल्यू -2 हो, तो ऐसे 3 इक्वेशन हम कौन कौन से बना सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक इक्वेशन आप बना लोगे ये, ठीक है, दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे ये, और थर्ड इक्वेशन ये, ठीक है, ये 3 इक्वेशन हो जाएंगी जिनमें x की वैल्यू -2 आएगी। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है 4.3। आई होप आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।